नमस्कार, मैं हूं अविनाश त्रिपाठी। इस समय हम अमर जवान ज्योति स्थल पर हैं। यहां पर एक बड़ी मात्रा में नौजवानों की भीड़ आप देखने को मिल रही होगी। आप सब देख रहे हैं कि किस तरह नौजवान हाथों में मोमबत्ती लेकर यहां पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने आ रहे हैं। जी हां, आज कश्मीर के पुलवामा में एक कायराना आतंकी हमला हुआ है। देश के 30 वीर जवान शहीद हो गए हैं। आज पूरा देश सवाल कर रहा है और ये जानना चाहता है कि क्या इनकी शहादत ऐसे ही जाया जाएगी, क्या देश इस हमले का मुंहतोड़ जवाब देगा। आज युवा, देश और सभी नागरिक गुस्से में हैं। वो चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री इस बात पर जवाब दें और बताएं कि क्या वो इस हमले को लेकर कोई कड़ी कार्रवाई करेंगे। अमर जवान ज्योति स्थल पर नौजवान उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं इन लोगों से जानना चाहूँगा कि ये जो कायराना हमला है, जो ये आतंकी हमला है, इसके लिए ये क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि ये देश किस तरह से इन लोगों को जवाब दे कि इनका ये हमला रुके। आज जो कायराना हरकत जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने की है, ऐसी घटना जो कल लोकसभा का आखिरी दिन था उसके बाद में अगले दिन ऐसी घटना होना एक शर्मनाक। निश्चित तौर पे जो पहला सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, ऐसे सर्जिकल स्ट्राइक की आवश्यकता हमें, हमारे 30 जवान शहीद हुए हैं, उनकी माताएं बहनें जो आज विलाप कर रही है, ये पूरा देश विलाप कर रहा है, उनका विलाप ऐसे कायराना के लिए हम यही मांग करते हैं कि 30 का बदला 300 से ले। निश्चित तौर पर देश का युवा, देश का नागरिक उनके साथ है, जैसे भी चाहे हम उनका साथ देने के लिए तैयार हैं। आज ही एक श्रद्धांजलि है, वो हमें कहीं भी बुलाएंगे तो हम उनके लिए तैयार हैं। हम देश के प्रधानमंत्री जी से, राष्ट्रपति जी से सबसे यही आग्रह करते हैं कि इस 30 का बदला 300 से लें, तो निश्चित तौर पर इनकी श्रद्धांजलि एक कारगर साबित होगी। संकट की घड़ी में बहुत से राजनीतिक मुद्दे हावी हो जाते हैं, जिसमें जवानों तक से सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगा जाता है। ऐसे में एक बड़ा प्रश्न उठता है कि जब इस पर कार्रवाई होगी तो क्या फिर से वही राजनीतिक दल, वही राजनीतिक लोग इस मामले पर सवाल खड़ा करेंगे। इसके बारे में हम जानेंगे कि क्या आप क्या सोचते हैं कि जो ये प्रश्न उठते हैं, इनके बावजूद देश को कार्रवाई करनी चाहिए। जी बिल्कुल, ये कार्रवाई करनी चाहिए। जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ है, इसके खिलाफ जो युवा हैं देश के, वो भी अब जागरूक हैं और ये भी चाहते हैं कि जैसे सर्जिकल स्ट्राइक पहले हुई थी, वैसे ही सर्जिकल स्ट्राइक करके जो 30 जवान हमारे शहीद हुए हैं उनका 300 के हिसाब से बदला ले, एक के बदले 10 का सिर लाना चाहिए। जिस हिसाब से उन्होंने उड़ाया, उन्हें को भी उड़ाना चाहिए। बिल्कुल, अब सब्र का नहीं, कब्र खोदने का वक्त है। ऐसा जवानों के इस शहादत के बाद लोगों के दिलों में ये आग है, आक्रोश है, ये चाहते हैं कि अब देश सब्र का जो एक मन है उसको छोड़कर अब कब्र खोदने की तरफ बढ़े।